तो गाइस आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एवरी सिंगल अचीवमेंट, जैसे कि बिल्ड हाइट लिमिट से एमएलजी करना, हर टाइप के पोशन की इफेक्ट्स को लेना, हर टाइप के एडिबल फूड्स को कंज्यूम करके माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द हार्डेस्ट अचीवमेंट को कंप्लीट करना है, एंड और भी बहुत कुछ। एंड इस वाली वीडियो को बनाने में गाइस लिटरली मुझे 30 आवर से भी ज्यादा टाइम लग गया। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आज की इस वीडियो में गाइस हम कंप्लीट करने वाले हैं टोटल 48 एडवांसमेंट। यस गाइस, हम टोटल 48 एडवांसमेंट कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे तो गाइस ये वाला वर्ल्ड अपना न्यू है तो अपने पास टोटल 65 एडवांसमेंट रह जाती है, बट एक बार में हम सारे एडवांसमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते। एंड ये बची हुई एडवांसमेंट थोड़ी सी हार्ड भी है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो उन सारी हार्ड एंड हिडन एडवांसमेंट को गाइस हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। सो चलो फिर आज की सारी अचीवमेंट्स को करना शुरू कर देते। सो गाइस जो पहली एडवांसमेंट है उसके लिए मुझे बी नेस्ट की जरूरत है ताकि मैं उस बी नेस्ट से हनी को निकाल सकूं। बट यहाँ पे कहीं बी, ओके यहाँ पे बी है, सो यहीं पे कहीं पे आसपास बी नेस्ट भी होना चाहिए। ये वाली बी का पीछा करके देखते हैं किस, ओके ये यहीं पे चले गए, ओके यहीं पे अपनी बी नेस्ट है, बट अभी इसके अंदर हनी फील होने के लिए टाइम लगेगा जब तक हम अपने इसी से भी नेक्स्ट एडवांसमेंट को कंप्लीट करते हैं। एंड एक मिनट भाई साहब, यहाँ पे एक और एक बी नेस्ट है, तो चलो यहाँ से भी अपना थोड़ा बहुत हनी का जुगाड़ हो जाएगा। तो अगले वाले एडवांसमेंट के लिए गाइस बस मुझे इन दोनों को ब्रीड कर देना है। जैसे ये ब्रीड हो गए मुझे एक एडवांसमेंट मिल जाएगी जो कि है द पैरट्स एंड द बैट्स। बट इसमें भाई ना ही पैरट्स थे ना ही बैट्स। और एक मिनट, यहाँ पे एक पिलेजर की टोली आई है एंड इससे रिलेटेड गाइस हम तीन एडवांसमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। एक मिनट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरी जो एक एडवांसमेंट है वो रीसेट हो चुकी है, जो कि वॉलंटरी एक्साइल वाली, जो कि अपने को पिलेजर किंग को मार के मिलती है। तो इसलिए वो एडवांसमेंट मुझे आगे चल के फिर से मिलती है। तो एक एडवांसमेंट को करने के लिए गाइस मुझे सबसे पहले एक पिलेजर को मार के इससे कैसे भी करके क्रॉसबो लेना है, क्योंकि मुझे इस क्रॉसबो की हेल्प से इसी पे अटैक करना है। इनको मार के लेने से अच्छा तो भाई मैं एक क्रॉसबो क्राफ्ट ही कर लेता। कोई ओके मिल चुकी है, लेट्स गो। अब मुझे कैसे भी करके इन पे अटैक करना है, मेरी एडवांसमेंट कंप्लीट हो। लेट्स गो, एक गाइस हमें मिले क्रॉसबो चलाने की एंड एक है क्रॉसबो से पिलेजर पे अटैक करने की। एंड ये रही वो एडवांसमेंट जो कि मुझे इस वाले पिलेजर किंग को मार के वापस मिलती है। एंड कुछ ही देर में गाइस देखो हमने कितने सारे एडवांसमेंट कंप्लीट कर लिए, बट अभी और भी काफी सारी अचीवमेंट्स बाकी है। क्योंकि गाइस जब अपने पास बैडोमैन का इफेक्ट है तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम एक और एडवांसमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस मैं नई वाली विलेज को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि भाई साहब अगर अपने विलेज में विलेजर्स मर मुरा गए तो भाई मेरा काम खराब हो जाएगा। चीटिंग करता है तू। ओके काफी ज्यादा क्लोज में मुझे एक विलेज मिल चुकी है एंड रेड भी यहां पे स्टार्ट हो चुके। सो चलो गाइस फटाफट से इस रेड को खत्म करके अपने हीरो ऑफ द विलेज वाली एडवांसमेंट को भी ले लेते हैं। एंड गाइस ये रेड के लेवल को कंप्लीट करने के लिए मुझे दो बंदे मिल ही नहीं रहे थे, मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा था। एंड तब जाके मुझे पता चला कि वो यहाँ पे खड़े थे। भाई साहब इनको ढूंढने के चक्कर में मेरा आधा एक घंटा ऐसे ही चले गया। तो इसी तरीके से गाइस सबको बढ़िया तरीके से मारने के बाद एंड अपने आप को बुरी तरीके से बचाने के बाद हम फाइनली ये वाली रेड को हार चुके थे। एंड यस गाइस लिटरली हम इस वाले रेड को हार चुके थे। इसको करने में मुझे दो घंटा लग गया, बट क्या पता कैसे सारे विलेजर शायद मर चुके थे एंड हम ये वाली एडवांसमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं इसको वापस से करने का, सो हम इसको लास्ट में करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट वाली एडवांसमेंट काफी ज्यादा इजी है, मैं काफी ज्यादा ऊपर आ चुका हूं। अब बस यहां पे इलाइट्रा को हटाते हैं एंड हमें सिर्फ टोटम को पॉपअप करना है। लेट्स गो, हमारी ये एडवांसमेंट कंप्लीट है। अगली वाली कुछ एडवांसमेंट के लिए मुझे स्पाई ग्लास की जरूरत है। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूं नेदर में कुछ एडवांसमेंट को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें मुझे सबसे पहले एक पिलेजर से जो गोल्ड की ट्रेडिंग करने की। एक मिनट भाई ये ले ले, वो मैं गोल्ड पहनना भूल चुका हूँ। अरे बच्चे ने ले लिया, भाई तू ले ले। जैसे गाइस हमारी एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाएंगी हम यहाँ से फटाफट से भाग जाएंगे, वरना ये भाई पीट देंगे अपने को। एंड अभी गाइस मुझे यहाँ पे एक बैस्टन मिल चुका है। वैसे मैं बैस्टन के अंदर तो गया हूँ, वहाँ की एडवांसमेंट कंप्लीट है, बट अभी तक मैं कोई भी चेस्ट को लूटा नहीं हूँ। सो अपनी एक एडवांसमेंट बाकी है। सो अभी काफी छुप छुपाते मैं अंदर तो आ चुका हूँ। लेट्स गो, ये वाली भी अपनी एडवांसमेंट कंप्लीट है। सो अगली वाली एडवांसमेंट के लिए गाइस मुझे नेदर की सारी बायोम्स को एक्सप्लोर करना है। मैं क्रिमसन वार्प फॉरेस्ट और नेदर रैक वाली एक्सप्लोर कर चुका हूँ, अभी मैं बेसल्ट वाले में हूँ एंड सामने अपने सोलसन वाली बायोम है। लेट्स गो, अपने ये वाली भी एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली वाली एडवांसमेंट के लिए गाइस मुझे स्पाई ग्लास से बस इस घास को देखना है। यहाँ पे क्या है, इज इट अ बलून? देखा जाए तो ये फुग्गे से कम भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। अपने घास की एक और एक अचीवमेंट है जिसमें मुझे इसके फायर बॉल को वापस से इसी के ऊपर फेंकना है। तो चलो गाइस देखते हैं ये इजीली होता है या नहीं। ओके लेट्स गो, काफी इजीली हो चुका है। तो गाइस अभी तक हमारी एडवांसमेंट काफी ज्यादा सही जा रही है, हमने काफी सारे एडवांसमेंट को कंप्लीट कर लिया है। सो अब आने वाली एडवांसमेंट गाइस थोड़ी सी इजी है, सो उनको मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूं। तभी मैं लाइट एज अ रैबिट वाली एडवांसमेंट कंप्लीट कर रहा था एंड तभी मुझे पे गोट नजर आ चुकी है, जिसकी भी एक एडवांसमेंट हम कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें मुझे इसको सिर्फ बोट में बिठाना है कैसे भी करके एंड मुझे इसके साथ बैठ जाना है। सो ओके, बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको बिठा दिया और मैं भी फटाफट से बैठ जाता हूं। लेट्स गो, हमारी ये वाली एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो तू बोट में बैठी हुई अच्छी लग रही है। ओके तेरा पार्टनर भी तुझे ज्वाइन कर चुका है। गाइस वैसे देखे तो ये रोडिस के दो टकड़े नहीं दिख रहे। ओके ओके, हम बाकी की भी एडवांसमेंट को करते हैं।
तो गाइस स्ट्राइडर की एक एडवांसमेंट रह जाती है जिसमें मुझे इसको ओवरवर्ल्ड में लेके जाना है, वहाँ पे लेके जाके उसे मुझे 50 ब्लॉक्स ट्रैवल करवाना है। ओके सो मैंने पोर्टल को तो कनेक्ट कर दिया है, अब इसको फटाफट से ओवरवर्ल्ड में भेज देते हैं। ओके चले गया है, तो चलो जब तक ये भाई साहब यहाँ पे आराम कर रहे हैं हम इनके लिए यहाँ पे 50 ब्लॉक्स का रूट बना देते। तो ओके गाइस फाइनली हमारा यहाँ पे 50 ब्लॉक्स का एक लावा रूट बनके रेडी हो चुका है जिसमें हम अपने स्ट्राइडर को दौड़ाने वाले। तो चलो भाई फटाफट से अपनी सवारी को लेते हैं, यहाँ पे 50 ब्लॉक्स ट्रैवल करना शुरू करते हैं। होप करते भाई एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाए, कुछ इशू ना हो, वैसे तो हो जाना चाहिए। लेट्स गो, हम पहुंच चुके भाई, हुआ कि नहीं। ओके फाइनली हमारी गैस एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। एंड गैस अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आई नो आपको वीडियो पसंद आ रही है, सो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, एम करते हैं 5000 लाइक्स का। एंड गैस वी आर वेरी क्लोज टू 200 के सब्सक्राइबर, तो वो भी फटाफट से करवा दो। तो चलो हमारी सवारी को यहीं पे छोड़ते, तो चलो भाई मिलते आपसे फिर कभी, अगर आप डिस्पोन ना हुए तो मुलाकात हो जाएगी। तो गैस अभी जो नेक्स्ट एडवांसमेंट है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन समझ में आ जाए तो काफी ज्यादा इजी है। इसमें गैस हमें ओवरवर्ल्ड के 7 किलोमीटर को ट्रैवल करना है, बट नेदर का यूज करके, यानी कि नेदर के अराउंड 900 ब्लॉक्स को ट्रैवल करना है, वहाँ पे एक पोर्टल बिल्ड करके वापस से ओवरवर्ल्ड में आना है। एंड गाइस नेदर में तो आपको पता है कि कितना ज्यादा खतरा होता है, बट इसके लिए मेरे पास एक काफी बढ़िया सी ट्रिक है। तो इस वाली एडवांसमेंट को करने के लिए गाइस मैं आ चुका हूँ नेदर रूफ के ऊपर, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कहीं पे भी ठोकने वोकने की टेंशन नहीं होने वाली, यहाँ पे हम इजिली उड़ सकते हैं। सो मैं यहाँ से एक ही डायरेक्शन में जाने वाला हूँ, यहाँ से सामने की तरफ। तो चलो फटाफट से अपने 900 ब्लॉक्स को कम्प्लीट करते। तो चलो गाइस मैं चलते चलते 1000 ब्लॉक्स आगे की तरफ आ चुका हूँ। अब यहाँ पे फटाफट से अपने लिए पोर्टल बिल्ड कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं लाइट अप एंड लेट्स गो। देखते भाई ओवरऑल में पहुंच के अपने एडवांसमेंट कंप्लीट होती भी है या अपना पचका हो जाता है। ओके गाइस ये वाले भी अपने अचीवमेंट काफी इजीली हो चुके हैं, मुझे ये थोड़ी सी हार्ड लग रही थी बट ये काफी इजीली हो चुकी है। अब गाइस अगली जो एडवांसमेंट है उसके लिए मुझे 2 नेथरेट के इंगट की जरूरत है, कुछ लोग समझ भी चुके होंगे, तो चलो कुछ एंशिएंट डेब्रिस को माइन कर लेते। तो एक नेथरेट के इंगट की हेल्प से मैं एक नेथरेट की हो बना लेता हूँ एंड दूसरे नेथरेट के इंगट से मैं एक लोडस्टोन को क्राफ्ट कर लेता हूँ। अब गाइस बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि ये बैस्टन से मिल जाता है, इसे क्राफ्ट करना नहीं चाहिए था, बट मैंने काफी सारे बैस्टन में ढूंढा बट मुझे कहीं पे भी मिला नहीं। अब बस मुझे कंपास की जरूरत है जो कि मेरे पास काफी सारा है, जिसकी हेल्प से मुझे राइट क्लिक करना है, अपनी एक और एक एडवांसमेंट कम्प्लीट हो चुकी है। सो गाइस अगर अभी हम देखें कि अपने कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, तो नेदर की तो काफी सारी हो चुकी है, बट गाइस माइनक्राफ्ट के सेक्शन में सिर्फ अपनी एक ही एडवांसमेंट बाकी है जो कि ज़ॉम्बी डॉक्टर वाली। तो चलो फिर इसको ही कम्प्लीट कर लेते हैं। सो गाइस अभी रात हो चुकी, अभी मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढ रहा हूँ बट यहाँ पे मुझे कहीं पे भी ज़ॉम्बी विलेजर नजर नहीं आ रहा है। शायद से मुझे किसी विलेजर को कटवा के ज़ॉम्बी विलेजर बनवाना पड़ेगा, कहीं पे भी नहीं है यार। एक मिनट, वहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर है, लेट्स गो गाइस, अपना काम हो चुका है, लेकिन मेरे पहुंचने तक वो ज़ॉम्बी विलेजर डिस्पोन हो जाता है। फिर क्या हुआ अगले दिन अपने मोहल्ले में? तो इसमें मैं फटाफट से वीकनेस का पोशन छिड़क देता हूँ एंड गोल्डन एप्पल भी दे देता हूँ एंड उसको बाकी सारे ज़ॉम्बी से बचाते हुए वेट करता हूँ इसके क्योर होने का। 7 hours later एंड काफी देर वेट करने के बाद गाइस फाइनली हमारा विलेजर क्योर हो जाता है। तो उसके बाद गाइस मैं अपनी ऐश्वर्या को मैं आ जाऊँ क्या अपने बेस पे लेके आ जाता हूँ। अब गाइस अगली वाली एडवांसमेंट के लिए मैं आ गया हूँ वर्ल्ड हाइट लिमिट के ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ से मुझे करनी है MLG सीधा बेडरॉक तक, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट अपने को टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि अपने हाथ में टोटम है, तो अगर हम मर भी गए तो हम बच जाएंगे, वैसे तो हो जाना चाहिए बट स्टिल यार देखते एक बार में हो पाता है या नहीं। लेट्स गो देखते। ओ भाई साहब एडवांसमेंट तो कंप्लीट हो गई, लेकिन एक मिनट एक बात बताओ भाई, अगर MLG हो गई तो टोटम पॉप कैसे हुआ, और अगर टोटम पॉप हुआ यानी कि मैं मर चुका था, सो एडवांसमेंट कैसे कंप्लीट हुई? I don't know. अब गाइस जो आने वाली 4 एडवांसमेंट्स है वो रिलेटेड है बीस से। सो पहली एडवांसमेंट में गाइस जैसे एक बी नेस्ट के अंदर 3 बीस चले जाते हैं, मुझे इसे सिल्टस से तोड़ देना है। लेट्स गो अपनी ये एडवांसमेंट कंप्लीट। एंड अब दूसरे वाली एडवांसमेंट के लिए मुझे हनी की जरूरत है एंड फाइनली यहाँ पे हनी आ चुका है, सो बड़े प्यार से यहाँ से हनी को कलेक्ट कर लेते। अब बचे हुए 2 एडवांसमेंट के लिए मुझे गाइस कॉपर की जरूरत है, क्योंकि मुझे कॉपर ब्लॉक क्राफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बन गया अपना कॉपर ब्लॉक। सो थर्ड एडवांसमेंट के लिए मुझे हनीकॉम से इधर राइट क्लिक करना है एंड अपने को एडवांसमेंट मिल जाएगी वैक्स ऑन की, एंड उसके बाद एक्स से फिर से राइट क्लिक करना है अपने को एक और एक एडवांसमेंट मिल जाएगी वैक्स ऑफ की। क्या है चिंदी बिंदी एडवांसमेंट बना के रखी है भाई माइनक्राफ्ट ने? अब गाइस आगे वाले कुछ एडवांसमेंट है वो रिलेटेड है वेदर के, क्योंकि अभी तक इस वर्ल्ड में मैंने वेदर को कहीं पे भी स्पॉन नहीं किया, तो चलो फटाफट से वेदर के स्कल को कलेक्ट करते हैं एंड वेदर को हराते हैं। तो गाइस केव के अंदर मैंने एक छोटा सा रूम बना दिया विदर के लिए, अब यहाँ पे विदर को स्पॉन करते हैं, अपनी एक और एक एडवांसमेंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंड अब इसको फटाफट से हरा के नेदर स्टार को भी कलेक्ट करते हैं।
एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारा विदर भी यहाँ पे मर चुका है। अब गाइस बारी आती है बीकन से रिलेटेड एडवांसमेंट करने की, जो कि होती है दो एडवांसमेंट, जो कि बीकन को लाइट अप करने की एंड दूसरे मैक्स लेवल के बीकन को लाइट अप करने की। तो चलो गाइस हमारा बीकन यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, फटाफट से यहाँ पे बीकन लगाते हैं, अपने बीकन को एक्टिवेट करते हैं, लेट्स गो। एंड इसी के साथ गाइस हमें दोनों एडवांसमेंट मिल चुकी है। एंड अगर गाइस अभी हम देखें तो हमने काफी सारे एडवांसमेंट कंप्लीट कर लिए, नेदर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एंड सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, साथ ही माइनक्राफ्ट का भी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी एडवेंचर वाले सेक्शन में काफी सारी अचीवमेंट्स बाकी है। तो चलो गाइस अब कुछ एडवेंचर सेक्शन के एडवांसमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, जिसके लिए मुझे गाइस एले की जरूरत है। सो मैं यहां पे निकल चुका एक पिलेजर आउटपोस्ट को ढूंढने के लिए। उड़ते गाइस मैं यहां पे एक पिलेजर आउटपोस्ट के पास तो आ चुका हूं, होप करते हैं यहां पे हमें एले मिल जाए। लेट्स गो गाइस, यहां पे एले, इसका सबसे पहले मुंह तोड़ो। एंड गाइस हमें एक ही बार में एले मिल चुके हैं, तो दोनों को लिस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब गाइस इनको लेके जाने की दिक्कत है, मैंने उड़ के लेके जाने का ट्राई किया बट इनकी लिस्ट टूट जा रही है, यही पे रह जा रहे। सो आई थिंक मुझे इन्हें ऐसे धीरे धीरे चला चला के लेके जाना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो मैं आपसे मिलता हूँ अपने बेस पे पहुंचने के बाद। One eternity later. So finally guys, देर दो दिन के ट्रैवल करने के बाद ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, हम फाइनली एलेस को अपने बेस पे लेके आ चुके हैं और इनको देखो। अरे तू जा रही। तो एले की गाइस पहले एडवांसमेंट के लिए मुझे इसके हाथ में कोई भी चीज देनी है, उसको मैं जैसे यहाँ पे फेंकूंगा एंड एले वो चीज मेरे पास लेके आएगी। सो हमारी एक एडवांसमेंट ऐसे ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्या हो गया भाई, लाके दे। ओके लेट्स गो, ये वाली एडवांसमेंट हो चुकी है। यू हैव गॉट अ फ्रेंड इन मी, डायलॉग बाजी देख रहे हो। एले की गाइस अगली एडवांसमेंट में मुझे इसके हाथ में एक केक देना है एंड मुझे यहाँ पे नोट ब्लॉक प्लेस करना है एंड एक केक को मुझे बाजू में ऐसे फेंक देना है। जैसे मैं नोट ब्लॉक पर टैप करूंगा ये केक मुझे लाके देगी एंड अपना एक और एक एडवांसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस आगे वाली कुछ एडवांसमेंट के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ केव में एंशिएंट सिटी को ढूंढने के लिए, क्योंकि आगे वाली कुछ एडवांसमेंट हमारी एंशिएंट सिटी से रिलेटेड है। एंड एक घंटे से भी ज्यादा देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे ये ब्लॉक्स नजर आ जाते हैं। एंड जैसे मैं नीचे उतरता हूँ मुझे पता चलता है यहाँ पे काफी बड़ी एंशिएंट सिटी भी थी। तो एंशिएंट सिटी के एक एडवांसमेंट करने के लिए गाइस मुझे इस वाले ब्लॉक के पास किसी भी मॉब को मारना पड़ेगा। तो जैसे इसके पास में किसी भी मॉब को मारूंगा हमारी एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगली वाली एडवांसमेंट के लिए गाइस मुझे बड़े प्यार से स्नीक करते हुए जाना है एंड ये कंप्लीट भी हो चुकी है। एंड अभी गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं एंशिएंट सिटी में आया हूँ एंड मुझे एक चीज लेनी है, जो कि एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स, क्योंकि मेरे के एडवांसमेंट के लिए मुझे एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल लगेंगे एंड मैं एंशिएंट सिटी में तो आया हूँ तो लूट के जाना तो बनता है। बट काफी सारी चेस्ट चेकआउट करने के बाद मुझे कहीं पे भी गोल्डन एप्पल्स तो नहीं मिले, बट जहाँ मैं टकरा रहा था वहाँ पे भाई वार्डन ऐसे स्पॉन हो जा रहे थे। एंड ऐसे एक बार मेरे आजू बाजू वार्डन घूम रहा था, मुझे चेस्ट मिलती है जिसको चेकआउट करने पे फाइनली गाइस मुझे यहाँ से दो एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स मिल जाते हैं। सो इससे पहले कि वार्डन मुझे सूंघ ले, मैं फटाफट से यहाँ से इलेक्टर की हेल्प से फूर हो जाता हूँ। अब जो नेक्स्ट एडवांसमेंट है उसके लिए मुझे जो है विलेजर को जो है हाइट लिमिट पे लेके जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे जाके उससे ट्रेड करना पड़ेगा। एंड उसके लिए हमने जो MLG वाला प्लेटफॉर्म यूज किया था मैं वही यूज करने वाला हूँ, बट मुझे कैसे भी यहाँ पे एक लिफ्ट बनानी पड़ेगी ताकि मैं विलेजर को ऊपर लेके जा सकूं। तो चलो मैं फटाफट से वो बना लेता हूँ। तो चलो गाइस फाइनली हमारे लिफ्ट ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, बस मुझे यहाँ पे सोल सैंड प्लेस करना है, अपनी लिफ्ट काम करनी चाहिए। लेट्स सी अपनी लिफ्ट काम करती भी या नहीं। सो मैंने सोल सैंड तो प्लेस कर दिया हूँ, अब ऊपर एक बार जाके देखते हैं। ओके काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है, मैं काफी इजीली गाइस ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। अब ऐसे गाइस फटाफट से विलेजर को भी लेके आते हैं। चलो भाई फटाफट से विलेजर को ऊपर की तरफ धक्का देते। ओके निकल चुका है, मैं भी फटाफट से इलेक्ट्रिक की हेल्प से ऊपर पहुंच जाता हूँ। ओके मैं तो आ चुका हूँ, अभी तक तो विलेजर आया नहीं है, देखते एक बार विलेजर आ भी रहा है या नहीं। ओके आ रहा है, आ रहा है, काफी तगड़े तरीके से आ रहा है। लेट्स गो ये आ चुका है, अब फटाफट से गाइस इसको यहाँ पे जॉब देते हैं एंड इसे फटाफट से ट्रेडिंग करते हैं, अपनी एडवांसमेंट को कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो, फाइनली गाइस हमारी एक और एक एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। A few moments later. ओ भाई साहब, भाई ये एडवांसमेंट कैसे कंप्लीट हो गई, ये तो तुक्के में हो गई, सही है यार। अब गाइस जो अपनी अगली एडवांसमेंट है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, लेकिन होप करते कि वो इजीली हो जाए एंड उसका नाम है फ्यूरियस कॉकटेल। एंड इसमें गाइस हमें टोटल 13 पोशन के इफेक्ट्स को लेना पड़ता है एक ही टाइम में एंड ये एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो चलो फटाफट से सारे पोशन को प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 पोशंस क्राफ्ट करके रेडी कर लिए हैं। दो मैंने इसलिए नहीं क्राफ्ट किया, पहला तो रेजिस्टेंस है जो कि अपने को बीकन से मिलेगा, दूसरा है जंप बूट जिसके लिए मेरे पास रैबिट फुट नहीं है तो मैं जंप बूट को क्राफ्ट नहीं कर सकता, बट उसके लिए भी मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं सबसे पहले अपने बीकन से एक रेजिस्टेंस का इफेक्ट ले लूंगा, उसके बाद मैं सारे पोशंस को मार के मैं उनके इफेक्ट्स को ले लूंगा एंड अपना रेजिस्टेंस गाइस 10 सेकंड तक रहेगा, उसी टाइम पे मैं बीकन से अपने जंप बूट का भी इफेक्ट ले लूंगा। तो चलो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर सारे पोशंस के इफेक्ट ले लेते हैं।
लेट्स गो, दो ही बच्चे, इनको भी फटाफट से मार के इनके भी इफेक्ट्स ले लेते हैं। एंड क्योंकि गाइस अभी रेजिस्टेंस ऑलरेडी है तो मैं फटाफट से यहीं से जंप बूस्ट के भी इफेक्ट को ले लेता हूं। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली ये वाली एडवांसमेंट भी काफी इजीली कंप्लीट हो चुकी है एंड मैं गायब भी हो चुका हूं। एंड ये वाली एडवांसमेंट गाइस कभी कभी काफी ज्यादा हार्ड भी हो जाती है क्योंकि एक भी पोर्शन अगर मिस हो गया ना तो अपनी एडवांसमेंट कम्प्लीट नहीं हो पाएगी। बट आपके भाई ने काफी इजीली कर दिया तो इसी बात पे वीडियो को लाइक दे दो। अभी गाइस कुछ और छोटी मोटी इजी एडवांसमेंट बाकी है, मैं उनको कर लेता हूं। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे एक म्यूजिक डिस्क बनाने का ट्राई कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक गड्ढे में क्रीपर को डाल दिया है। अब से मुझे उसी गड्ढे में कैसे भी करके स्केलेटन को डालना है, बट ये काफी गंदा डैमेज दे रहा है। ओके गाइस, ये चले तो गया है, मुझे कैसे भी करके इस क्रीपर को स्केलेटन के हाथ से मरवाना है। एंड होप करते हैं अपनी डिस्क ड्रॉप हो चुकी होगी। सबसे पहले इसको मारो एंड लेट्स सी अपनी डिस्क आई है कि नहीं। फाइनली गाइस अपनी डिस्क आ चुकी है। एंड आई थिंक ये लास्ट बंदा है, इसको मार के हम जीत चुके होंगे। लेट्स गो भाई साहब, जिस एडवांसमेंट को करने के लिए गाइस हम पहली बार हार चुके थे वो फाइनली अपने को मिल चुकी है। एंड ये रेड गाइस जीतने के लिए मुझे काफी प्रिपरेशन भी करनी पड़ी। मुझे सबसे पहले इन सारे विलेजर को इनके घर में डाल के बंद करना पड़ा, बट अभी ये वर्थ इट होगा तो इन सबको बाहर निकाल देते। एंड चलो गाइस अब करते आज की लास्ट बट वन ऑफ द हार्डेस्ट अचीवमेंट ऑफ माइनक्राफ्ट जो की है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट गाइस एक ऐसी एडवांसमेंट है जिसमें हमें माइनक्राफ्ट के सारे एडिबल फूड्स को कंज्यूम करना पड़ता है। एंड इस वक्त माइनक्राफ्ट में टोटल 40 एडिबल फूड्स है जिसमें से मैंने कितने खा चुका हूँ कितने नहीं खाए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। एंड यही कन्फ्यूजन के चक्कर में कई लोगों के ये एडवांसमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते। सो इसके लिए गाइस मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया है। सो मैं क्या करूंगा गाइस, हमें जितने भी 40 एडिबल फूड्स कंज्यूम करनी है उनको मैं एक जगह पे चेस्ट में कलेक्ट कर लूंगा। एंड सारे जैसे फूड कलेक्ट हो जाएंगे उनको एक ही बार में खा के हम अपनी एडवांसमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। एंड इन 40 एडिबल फूड्स को गाइस कलेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, सो विश मी लक। सो चलो फटाफट से सारे 40 एडिबल फूड्स को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। एंड करीब अराउंड 4-5 घंटे की मेहनत करने के बाद गाइज मैंने फाइनली 40 एडिबल फूड्स कलेक्ट कर लिए हैं। कलेक्ट करके उन सबको मैंने अपने पीछे वाली चेस्ट में रख दिया हूं। भाई सही में इसको कलेक्ट करने में हालत खराब हो गई, कुछ चीजें काफी इजीली मिल गई बट कुछ चीजों को कलेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। बट एक बार ये एडवांसमेंट कम्प्लीट हो जाए गाइज अपनी ये मेहनत वर्थ इट होगी। सो चलो गाइज मैं फटाफट से इन सारे एडिबल फूड्स को कंज्यूम करना शुरू करता हूं एंड इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों से मिलूंगा जैसे लास्ट के कुछ फूड्स बच जाएंगे उसके बाद। तो फाइनली गाइज अभी तक मैंने टोटल 38 एडिबल फूड्स को कंज्यूम कर लिया। लास्ट के अपने ट्रॉपिकल फिश और स्वीट बेरीज बचते, इन सबको गाइस फटाफट से खाते हैं। लास्ट अपने ट्रॉपिकल फिश बचते गाइस, इसको खाते गाइस अपने एडवांसमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेट्स गो गाइस, फाइनली अपनी अब बैलेंस डाइट वाली एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। भाई सही में मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि एक भी अगर गलती हो जाएगी तो मुझे वापस से 40 एडिबल फूड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें भाई फिर से 4-5 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। एंड गाइस मैंने लावा अपने इन्वेंटरी में इसलिए रखा था ताकि मैं उससे डैमेज ले सकूं एंड जल्दी जल्दी सारे फूड्स को कंज्यूम कर सकूं। एंड इसी के साथ गाइस आज हमने टोटल 48 एडवांस को कंप्लीट कर लिया जिसमें भाई सही में काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन अभी एडवांसमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता है, अभी भी अपनी 17 एडवांसमेंट बाकी जो कि और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि घास्ट को ओवरवर्ल्ड में लेके आना, माइनक्राफ्ट का सबसे हार्डेस्ट अचीवमेंट जो कि हाउ डिड वी गेट हियर, वो सब गाइस हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो मिलते हैं गाइस हार्डकोर की और भी धांसू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।